कैसे हैं आप सब? आज आपको क्या लग रहा है कि आज किस चीज़ की वीडियो होगी? हाँ जी, आज बिल्कुल मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ कपड़ों के, कुछ शर्ट्स के डिज़ाइन दिखाऊं, ताकि आपको अगर पसंद आ जाए तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकें। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग है, और अब आप देखें, मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगी और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक ये शर्ट है, ये ब्लू कलर की शर्ट है और ये पेंटिंग स्टाइल है। ये इस पर पेंट हुआ हुआ है और ये कुछ इस तरह से बनी है कि ये इतनी पेटी लगी हुई है जिसको बॉडी बोलते हैं। ये बॉडी है और ऊपर से नीचे तक यहाँ पर बटन्स हैं और यहाँ से ये ओपन है। ये इस तरह से ओपन शर्ट है, लेकिन ऊपर इसकी ये बॉडी लगी है और बॉडी से मैचिंग का ही इसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है ये। अच्छा, ये बॉर्डर जो है वो अलहदा से नीचे अटैच नहीं किया, बल्कि शर्ट के ऊपर कपड़ा लगाया। इस तरह जो लॉन की शर्ट्स होती हैं इसमें वज़न आ जाता है, तो वो कपड़ा उड़ता उड़ता महसूस नहीं होता, और थोड़ा सा इस पर जब वज़न आता है तो ये शर्ट अच्छी लगती है। चलें जी, ये अब इसका फाइनल लुक है, शर्ट विद ब्लू दुपट्टा और ये इसका साथ में ट्राउज़र है, और नीचे इसी तरह थोड़ा सा शर्ट के साथ मैचिंग का इसका, उस पर तो प्रिंट है लेकिन इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो ये फाइनल लुक। अच्छा, एक ये फ्रॉक स्टाइल है, इसका गला कुछ इस स्टाइल से बना हुआ है, ये इस पर बटन्स लगे हुए हैं और इस पर ये प्लेट्स डली हुई हैं। देखिए, यहाँ से ये प्लेट्स ऊपर से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, ये हाफ प्लेट्स के साथ, और एक साइड पर 1 2 3 प्लेट्स एक साइड पर डली हुई हैं और ऊपर से स्टार्ट हो रही हैं और हाफ पर आकर ये ख़त्म होती है, मतलब यहाँ से ये इस तरह से खुल जाती है ये। इसी तरह 3 प्लेट्स इस साइड पर भी हैं, ये 1 2 3 और यहाँ तक, ये यहाँ यहाँ तक ये, और ये इसका गला है और ये बॉर्डर, ये कपड़ा इसके ऊपर यहाँ से लहदा से कट के लगा हुआ है ताकि ये थोड़ी सी वजनी हो जाए, थोड़ा सा वेट डालने के लिए इस तरह से। जी, अब इसकी फाइनल लुक है, इसमें वाइट दुपट्टा विद वाइट ट्राउजर और ये अब इसकी फाइनल लुक है। अच्छा, एक ये शर्ट है, ये भी लाइम लाइट की शर्ट है, पहले जो दो दिखाए वो भी लाइम लाइट के थे और इस पर कोई ख़ास डिटेलिंग तो नहीं है, ये ओनली शर्ट, इस पर इस तरह से गला बनाया गया, मतलब बाएं वाली साइड पर ना, फ्रंट पे इस तरह से पट्टी के साथ और बटन्स के साथ। अच्छा, एक ये वाइट शर्ट है, ये वाइट शर्ट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है, बस ओपन शर्ट है, बटन्स लगे हुए हैं और एक साइड पर, मतलब राइट साइड पर लैस लगी हुई है, सिर्फ राइट साइड पर ये लैस लगवाई गई है, और इसका जो दामन है वो थोड़ा सा राउंड शेप में है और पिंक पाइपिंग के साथ है, ठीक है। अच्छा, ये एक फ्रॉक है,
ये इसके साथ, ये पाइपिंग और पैनल्स के साथ है, ये दो इसके साथ पैनल्स लगे हुए हैं, ये इसका बॉर्डर है और ये इसका गला है। अच्छा, ये रेडीमेड फ्रॉक है, ये मैंने सिलवाया नहीं है बल्कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ये, और 2000 का ये सिर्फ फ्रॉक था। ये गार्नेट ब्रांड का है, इसके साथ ब्लैक दुपट्टा और स्किन टाइट्स। ये है जी फाइनल लुक, स्किन टाइट्स मेरे पास पहले से मौजूद था, बस मैंने ये फ्रॉक बाय किया, ब्लैक दुपट्टा भी मौजूद था, तो ये इस तरह से मेरा एक फ्रॉक, एक ड्रेस तैयार हो गया। अच्छा, ये एक फ्रॉक है, ये शायद खादी का था, और ये इसका गला रेड पाइपिंग के साथ, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और यहाँ से इसकी एक प्लेट शुरू हो रही है, ये यहाँ हाफ तक आके यहाँ से ये ओपन हो जाती है, इसी तरह इस साइड से भी ऊपर से स्टार्ट हो रही है प्लेट और यहाँ पर आके ये ओपन हो जाती है। इसका ये बॉर्डर लैदा से ऊपर काट के लगा हुआ है। अच्छा, ये निशात का सूट था, शर्ट और दुपट्टा था, इसको मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक बनवाई इस तरह से, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो बैक से थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब 2.5 इंच 3 इंच जो है वो, ये फ्रंट जो है वो बैक से शॉर्ट है, तो बैक लंबा होगा और फ्रंट छोटा होगा, ऊपर ये इसकी बॉडी लगी हुई है और कुछ इस तरह से। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसका नेक का है, और ये कुछ इस तरह से इसका ये दुपट्टा है। और ये इसके साथ टाइट्स है।